भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, पत्थर पत्थर मुर्दाबाद, संत भूषण मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, पत्थर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पत्थर पत्थर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिंदाबाद, हमारे साथ सरकार धोखा कर रही है। मनोहर लाल खट्टर जो सरकार है, आने वाले चुनाव में हम इसको जवाब देंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। ठीक है, गई आवाज़ निकली, जो सरकार रेट गन्ना बढ़ाई उसको वोट देंगे। आज के दिन किसानों को कोई बचत नहीं है, 125,000 रुपये खर्चा बढ़ता है सरकार का, जो लगा के गन्ना बिकते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े निंदा की बात है कि आज हमें जहाँ हरियाणा को हमेशा पंजाब से जो है ज़्यादा दाम गन्ने का हरियाणा के किसानों को मिलता था, लेकिन अब की बार हमारे किसानों का दुर्भाग्य है कि प्रदेश में ऐसी असंवेदनशील बेशरम घटिया किसान विरोधी सरकार हरियाणा पे राज कर रही है, जो किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज गन्ने के भाव बढ़वाने को लेकर पूरे हरियाणा के शुगर मिलों पर ताला जड़, शुगर मिलों को बंद किया गया। वहीं हरियाणा के सबसे बड़े सरकारी शुगर मिल डाहर में भाक्यू द्वारा तालाबंदी करने के बजाय सुबह 10 बजे मिल को ही बंद करवाया गया और किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरने पर किसानों को संबोधित करते हुए भाक्यू जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने कहा कि पिछले एक महीने से किसान गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार तानाशाही नीति पर चलते हुए किसान और आम जनता को बर्बाद करने पर केंद्र और हरियाणा सरकार तुली हुई है, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। और आज से पूरे हरियाणा के शुगर मिलों को बंद व तालाबंदी करके अनिश्चितकालीन धरने शुरू किए गए हैं और जब तक गन्ने का भाव हरियाणा सरकार नहीं बढ़ाती तब तक मिल बंद रखेंगे। बेशक सरकार हम किसानों पर गोली या लाठियां चलाए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेंगे, ये फैसला अब सरकार को करना है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा के शुगर मिलों को तालाबंदी की गई है और पानीपत के किसानों ने दो कदम आगे चलते हुए आंदोलन को तेजी देते हुए, आंदोलन को गति प्रदान करते हुए आज तालाबंदी की जगह मिल को ही बंद कर दिया है, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे पहले पानीपत जिले में से यह शुरुआत की गई है। हमारी मांग है सरकार, हरियाणा की सरकार 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव किसानों को दे, नहीं तो इसी तरीके से पूरे हरियाणा के मिल बंद रहेंगे, धरने हमारे अनिश्चितकालीन जो है आज से शुरुआत हो गई है और सरकार को समय रहते मान लेना चाहिए, नहीं तो आंदोलन हर दिन तेज गति से बढ़ाते रहेंगे और आज मिल बंद किए हैं हम, फिर अगली जो है रणनीति किसान बनाते रहेंगे और आंदोलन को तेजी देते रहेंगे। हम खट्टर सरकार की को बता देना चाहते हैं, आपकी सत्ता में आने से पहले उस समय हुड्डा की सरकार थी, 2013 में हमने गन्ना किसान आंदोलन चलाया था और पानीपत मिल में उस समय जो आपकी बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मोर्चे का था उस समय ओम प्रकाश धनगढ़, वो हमारे धरने पे आया था। लेकिन बेशर्मी की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े निंदा की बात है कि आज हमें जहां हरियाणा को हमेशा पंजाब से जो है ज़्यादा दाम गन्ने का हरियाणा के किसानों को मिलता था, लेकिन अब की बार हमारे किसानों का दुर्भाग्य है कि प्रदेश में ऐसी असंवेदनशील बेशरम घटिया किसान विरोधी सरकार हरियाणा पे राज कर रही है, जो किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। सरकार अब भी आपकी बात नहीं सुन रही है, अब की बार ऐसा है, ये सरकार बात तो सुनती है, ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही है, ये डबल इंजन के साथ साथ ये यूटर्न सरकार भी है, ये फैसले लेती है फिर इसके लठ जो है लोग चढ़ावे हैं, फिर या यूटर्न लेवे फिर फैसले उल्टे लेवे, फिर इनका प्रधानमंत्री थे भी जो है देश तक माफी मांगा है, तो ये आदत से लाचार जो लोग हैं। हम सरकार को चाहते हैं, सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, इनके
जो अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं वो हट जाएं, इनको हम किसानों पे जो बर्बाद होने के कागार पे हैं उन पे रहम आए और हमें हमारे अधिकारों के हिसाब से लागत मूल्य के हिसाब से हमें उचित दाम गन्ना किसानों को दे। नहीं तो आज मिल जाम किए, कल को रेल सड़कें जाम करेंगे, परसों को मंत्रियों के गांव में आना जाना घुसना बंद करेंगे, इनका ब्याह शादी नोंदे तो इनके बंद कर देंगे। तो हम तो अभी अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं, हमारी रणनीति बनेगी पूरे हरियाणा की कोर कमेटी की, सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी के नेतृत्व में जो अगला आदेश आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे। और सरकार किसी बैम भुलेखे में हो अपनी लाठियां गोलियां अपनी बुलडोजर तैयार कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी गोलियां भी खाएंगे, आपकी लाठियां भी खाएंगे, आप जो जो हमसे कुर्बानी मांगोगे हम कुर्बानी शहादत देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मन में ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि गन्ने का रेट तो बढ़ेगा तो बढ़ के ही रहेगा, इस चीज में कोई दोराय नहीं है। इस अवसर पर भाक्यू कार्यकारी जिला अध्यक्ष राम सिंह कुंडू ने कहा कि अब हर दिन किसानों द्वारा आंदोलन तेज किया जाएगा। भाक्यू द्वारा जो भी रणनीति या फैसला लिया जाएगा उसी के आधार पर किसान एकमत होकर कार्रवाई करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन तो ये तो दो महीने से पहले हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था, तो सरकार पे सरकार ने फिर कमेटी गठित करी, भी मिलेंगे अधिकारी मिले सरकार से, तो जो हमारे जो किसान है वो मिलने गए ना, उनसे मिलने से ही मना कर दिया कट्टर सरकार ने बिल्कुल भी। हम अपने गन्ने के रेट भाव के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है। जैसे कभी भी हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर गन्ने का रेट हर स्टेट से ज़्यादा रखा है, हमारे यहाँ पे सभी स्टेटों से ज़्यादा रहा 20-30 रुपये, ठीक है। और ज़्यादा नहीं मांगता किसान, 30 पैसे किलो मांगता है, कुछ ज़्यादा रेट नहीं बढ़वाने कह रहे हैं आप, यहाँ 500 कर दो, 600 कर दो, 450 की डिमांड रखी थी, कम से कम पंजाब के अंदर 380 है, यहाँ 400 तो होना चाहिए, गलत तो नहीं मांग रहे हम, ठीक है। जब चीनी 4200 रुपये बिक रही है, 4200 रुपये 420 रुपये क्विंटल पड़ गया ना, 420 में भी सरकार को कोई टोटा नहीं है, जो गन्ना ले सरकार, ठीक। हमारे साथ सरकार धोखा कर रही है, मनोहर लाल खट्टर जो सरकार है आने वाले चुनाव में हम इसको जवाब देंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे, ठीक है। गई आवाज निकली, जो सरकार रेट गन्ना बढ़ाएगी उसको वोट देंगे, और तब तक सरकार नहीं मानेगी हमारी मांगे ना तो यहाँ से हम उठेंगे ना सुगुर मिल चलेगा। और इनको अल्टीमेट 10 दिन का दिया है, इसके बाद फिर जीटी रोड भी जाम होएगा, ठीक है। देश की रीढ़ की हड्डियाँ किसान, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, हम नहीं उठेंगे यहाँ से बिल्कुल भी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। मतलब सभी शुगर मिल बंद करवा दिया हमने, ठीक है। हमारा गन्ना सूखे अगर सूखो ये डंडा मारा हो रहा ना, तब इसको भुगतेंगे हम, सब पहले ही भुगतान लग रहे। आज के दिन किसान को कोई बचत नहीं है, 125,000 रुपये खर्चा बढ़ता है सरकार का जो लगा के गन्ना यहाँ बिकते हैं, ठीक। अगर जो हमारे को 30-40 रुपये बढ़ा देंगे वो बचत आएगी बस, और कोई बचत नहीं है। वहीं किसान जयकुवार काद्यान ने कहा कि पानीपत के किसानों ने तालाबंदी से 2 कदम आगे जाकर मिल में किसानों की गन्ने से भरी ट्रालियां होते हुए भी मिल को स्थायी तौर पर बंद किया गया है, जो किसानों द्वारा एकता की मिसाल पेश करती है और किसानों की हाजिरी हर दिन बढ़ती रहेगी। इस अवसर पर युवा जिला उपाध्यक्ष नदीम गुजर, कानूनी सेल जिला अध्यक्ष संदीप एडवोकेट के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।